नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया, सुनील भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। आज सुबह हमने इनकंटा मेरी दीदी की शेयरिंग को सुना। अभी इसी कड़ी में हम संगीता शुक्ला दीदी से उनकी बात सुनेंगे। संगीता शुक्ला दीदी प्रोफेसर है एट सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में। दीदी जुलाई 2022 से यूएचयू के साथ में जुड़ी है। दीदी एक बहुत ही एक्टिव वॉलेंटियर है और हम जरूर दीदी से दीदी की बात को सुनना चाहेंगे। सो वेलकम दीदी, ओवर टू यू। नमस्ते भैया, थैंक यू फॉर इंट्रोडक्शन। नमस्ते शर्मिला दीदी, नमस्ते कुमार भैया, नमस्ते सभी को। मैं जो गाइडलाइन मिली है उनके पॉइंट वाइज अपना प्रेजेंटेशन रख रही हूँ। मैं डॉक्टर संगीता शुक्ला, सेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। मुझे 30 साल का अनुभव हो गया है। मेरा एक बेटा है, उन्होंने BHU से BSc जूलॉजी ऑनर्स की पढ़ाई की है और अब वह प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। मेरी UHV की यात्रा जुलाई अगस्त 2022 से UHV 1 एंड UHV 2 ऑफलाइन वर्कशॉप से चालू हुई। कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर ज़्यादा समझ नहीं बनी थी क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे कंटिन्यूअस विचार चलते रहते थे। मैं कान से सुनती तो हूँ पर दिमाग में घुसता नहीं था, इसलिए समझने में या अभ्यास करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा है। सुबह के सत्र में नवंबर 2022 से जुड़ना हुआ, पर उस समय परिवार में माताजी पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए निरंतर नहीं था। फिर पूना में शर्मिला दीदी और गणेश भैया से मिलना हुआ, उनको देखकर इस रास्ते पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। बैच 7 के सुबह के सत्र को नियमित रूप से सुन रही हूँ। दोनों इंग्लिश और हिंदी सेशन सुनती हूँ। लास्ट शेयरिंग इंग्लिश में की थी, इस बार हिंदी में करने का निर्णय लिया कि शायद ज़्यादा बेहतर तरीके से बात रख पाऊंगी ऐसा लगता है, पर हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट बनाने में बहुत मुश्किल आई। सुबह का सत्र किचन में काम करते करते ही सुनती हूँ। स्लाइड कभी कभी ही देख पाती हूँ क्योंकि मुझे कॉलेज 7:45 निकलना होता है। जुलाई 2023 में हमारे ही इंस्टीट्यूशन में एक UHV 1 ऑफलाइन वर्कशॉप हुई थी, उसमें एज ए को कोऑर्डिनेटर अटेंड किया था। उसके बाद कंटेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले से बेहतर हुई है। अब जब दूसरे को एक्सप्लोरर क्वेश्चन पूछते हैं तो मेरे को भी अपना समझने में काफ़ी मदद मिली है। इस बार के सुबह के सत्र में वीडियो एडिटिंग का एडिटिंग में भागीदारी करने का मौका मिला और उसका मुझे बहुत फायदा हुआ है। मेरी मानसिक स्थिति पहले से बेहतर हुई है। वीडियो एडिटिंग में भागीदारी करने से कंटेंट को रिवाइज करके समझने का मौका मिला। प्रत्येक शब्द का बहुत गहरा अर्थ है ऐसा समझ आ रहा है और उसको समझने में बहुत धैर्य लगेगा ऐसा भी दिखता है। शेयरिंग के सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं, मानव में सेल्फ है, ये बात ठीक लगती है। मैं ही इच्छा विचार आशा चलती है। शरीर तो एक साधन मात्र है, पर अपने जीने में देखूं तो सामने वाले को सेल्फ नहीं, बॉडी देखकर ही व्यवहार हो रहा है, पर वो मानो मेरे जैसा है ऐसा दिखता है। पहले से बेहतर समझ बनी है। अब डिपार्टमेंट के सभी लोगों के साथ लेकर सहयोग होता है, हम साथ में सब लोग लंच करने लगे हैं और मैं ही सबको इकट्ठा करती हूँ। इवेंट की भी कोई हम इवेंट कर रहे हैं तो उसमें सब मिलके हम प्लानिंग करने लगे हैं। डिपार्टमेंट में अब परेशानी नहीं होती है। HOD सर भी से जब हम बात करते हैं तो बड़ी शांति से बात करते हैं, वो सुनते हैं, उनकी कोई परेशानी होती है तो वो बता पाते हैं। अब हम इतना ट्रस्ट आपस में डेवलप कर पाए हैं। घर में भी हारमनी है। बेटे के साथ पहले बहुत कम बात होती थी, वो ज़्यादातर मेरे से नाराज ही रहता था,
पर अब उसके साथ बैठकर कभी उसकी कोई प्रॉब्लम है या मेरी कोई प्रॉब्लम है उस पे हम चर्चा कर लेते हैं। यूएचबी के सुबह के सत्र से पहले ज़्यादा बात करने के में उससे जब बात करती थी तो आदेश ही झलकता था, पर अब ध्यान रहता है कि उसको कोई बात कर रख रही हूँ तो प्रस्ताव के रूप में रखूँ। पॉइंट नंबर टू पे आते हैं। नेचर के तीन ऑर्डर में किस प्रकार व्यवस्था बनी है वो देखकर अपने आप पर काम करने की प्रेरणा मिलती है कि हम भी इस व्यवस्था का हिस्सा बन जाएं तो जीवन संगीतमय हो जाएगा। भौतिक सुख सुविधाओं से लगाव पहले से ही कम है। समझ बढ़ने के साथ एक निर्णय ये भी लिया है कि जितना हो सके सार्वजनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करूंगी, तो अभी कॉलेज बस से ही आना जाना करती हूँ। पॉइंट नंबर थ्री में अस्तित्व है। हम अस्तित्व की इकाई हैं, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। अभी इसको माना हुआ है, इसको देखने में तो नहीं आता है। मानवीय पॉइंट नंबर फोर, मानवीय आचरण में सुधार हुआ है। पहले किसी पर आसानी से विश्वास नहीं होता था, अब मैं दूसरों के प्रति विश्वास के भाव से पेश आती हूँ। अब दूसरे के बिगड़े आचरण के पीछे उसकी परेशानी को देख पाती हूँ और दया के भाव से आचरण कर पाती हूँ। ऐसा हर बार तो नहीं होता है, पर पहले से ज्यादा बार होने लगा है। अभ्यास एक की अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो अभ्यास एक में स्टेप वन में स्वयं में चल रहे विचारों को देख सकती हूँ। लगातार ध्यान तो नहीं रहता है, बहुत बार बिजी हूँ तो भूल जाती हूँ, पर जाता है, ध्यान जाता है। भावनाओं में भी अब सकारात्मकता दिखने लगी है। स्टेप टू में मेरे भाव अच्छे हैं या बुरे हैं ये दिखता है। स्टेप थ्री में इन भावों के साथ मैं संगीत में हूँ या परेशान हूँ ये भी देखने में आता है। स्टेप फोर में हर पल जो भाव चल रहा है उसको मैं ही चला रही हूँ, इसके बावजूद बहुत बार उनको ठीक नहीं रख पाती। पता है कि हम ही कर रहे हैं, उसके बाद भी कंट्रोल में नहीं रहता है। बहन ने कुछ बोल दिया या कार्यस्थल पे एचओडी एचओआई सर के कुछ भाव बिगड़े तो मेरे भी बिगड़ जाते हैं। एक्सप्रेशन में तो नहीं दिखता है, मेरे सामने फेस से कोई नहीं समझ पाता है कि अंदर परेशान हो रही हूँ, पर मैं समझ पाती हूँ, मैं देख पाती हूँ कि मैं अंदर परेशान हूँ। पहले की स्थिति से तो बहुत सुधार हुआ है। बहुत बार सामने एचओडी या एचओआई सर के उस समय भले ही परेशान हुई, पर बाद में एनालाइज करके उनका सही सही मूल्यांकन कर पाती हूँ और उसके बाद उसका करेक्टिव एक्शन भी लेती हूँ। तो यदि ओवरऑल देखा जाए तो 50% टाइम ठीक रहता है, 50% टाइम गड़बड़ हो जाती है। स्टेप फाइव की बात करें तो दिखता है पुरानी बहुत गहरी गहरी मान्यता है जिनको बदलने में समय लगेगा, पर अब मन पक्का बनाया है इस रास्ते पे चलने का तो आगे हम उस पे कर ही लेंगे ठीक। थोड़ा समय लगेगा पर ठीक होगा ऐसा उम्मीद है। स्टेप सिक्स और सेवन में तो अभी ज्यादा नहीं कर पाती हूँ, उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा मुझे। अभ्यास दो की बात करें तो स्टेप वन में मैं और शरीर अलग अलग इकाई है। ये अभी दिखा तो नहीं है पर हाँ लगता है कि हाँ ऐसे अलग अलग हैं। स्टेप टू की बात करें तो संवेदना को पहचानने का निर्णय मेरा ही होता है। पैर में या सिर में खुजली हो रही है ये संवेदना है और मैं इस शरीर के माध्यम से उसको पढ़ रही हूँ, मतलब मैं उसको रीड पर कर जो सेल्फ है उसको रीड कर पाता है। स्टेप थ्री में यदि पाँव में खुजली हो रही है ये उसको खुजाना कि नहीं खुजाना ये निर्णय मेरा होता है। मच्छर का काटा हुआ तो बना हुआ है, पर मैं कभी उसको कर रही हूँ खुजली, कभी नहीं कर रही हूँ, तो ये निर्णय मैं ही ले रही हूँ कि करना कि नहीं करना। स्टेप फोर में दिखता है कि मैं वो सेंसेशन नहीं हूँ, मतलब वो जो है जो भी सेंसेशन हो रहा है वो शरीर में हो रहा है तो उसमें दूरी है ये दिखता है, मतलब मैं और शरीर में दूरी है ये समझ आता है कि हम जो सेंसेशन रीड कर रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। स्टेप फाइव में
इनविजिलेशन ड्यूटी के समय पैर बहुत दर्द करते हैं। हर बार दर्द एक जैसा रहता है ऐसा नहीं, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी होता ही नहीं है। तो ड्यूटी तो 3 घंटे की ही हो रही है, पर वो संवेदना कम ज़्यादा, इसको अर्थ तो मैं ही दे रही हूँ ऐसा दिखता है। स्टेप 6 की बात करें तो मान्यता आधारित जीवन शैली ज़्यादा है। किसी भी विरोध का सामना करने से बचने के लिए कभी सोचा कि पुरानी मान्यताएं ऐसी थी कि यार हमने तो कुछ गलत किया होगा जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, या कभी सोचा कि यार आज का दिन अच्छा नहीं है, मतलब ये वार जो होता है ना ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, कभी देखा कि ये तारीख, शायद ऑब्जर्वेशन थे कि यार ये तारीख आएगी तो दिन तो बिगड़ना ही है। तो ऐसी बहुत सारी गहरी गहरी मान्यता बना रखी है, अब उनसे काफी उभरने में मौका मतलब हुआ है, सुधार हुआ है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। स्टेप 7 तो नहीं, अभी कुछ स्पेस तो कुछ भी नहीं समझ में आती, मतलब इन्फॉर्मेशन तक ही है वो, क्योंकि अभी तो बहुत काम करना है। अभ्यास 1 और 2 के स्टेप 6 और 7 में अगले सत्र में थोड़ा बेहतर हो पाएगा, कर पाऊंगी ऐसी उम्मीद है। गाइडलाइन के पॉइंट 4 पे आते हैं कि परिवर्तन अपने आप में क्या हुआ है। तो इन 4 महीनों में सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि मैं अपने अंदर चलने वाले बहुत सारे नेगेटिव विचार, जिनमें से मैं बहुत परेशान रहती थी, वो विचार अब बहुत बहुत कम हो गए हैं, और इसका श्रेय वीडियो एडिटिंग को जाता है। जब भी खाली समय मिलता था तो वीडियो एडिटिंग करती हूँ, ऐसा लगा इस कंटेंट ने उन विचारों को ओवरराइट कर दिया है, मतलब मैं उनको पहले बहुत सारे तरीके अपनाए उनको पीछा छुड़ाने के लिए, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, कभी काउंसलर्स को भी बात करी, पर कुछ भी फायदा नहीं होता था। पर ये वीडियो एडिटिंग में कंटिन्यूस सुन रही हूँ, सुन के मैं सो जाती हूँ, तो मुझे लगा कि वो सबकॉन्शियस माइंड में सब वो बैठता गया, तो अब मुझे वो कंटेंट याद रहता है या आता है। वो जो नेगेटिव विचार बहुत कंटिन्यूस चलते थे उसमें काफी बहुत कमी आई है। ये जितना भी सुधार हुआ है वो परिवार वालों को भी दिख रहा है। मम्मी के साथ व्यवहार पहले से सुधार हुआ है, पहले हम दोनों बहुत जल्दी जल्दी नाराज हो जाते थे एक दूसरे से, अब उसमें भी बहुत कमी आई है। पॉइंट 5 में भागीदारी की बात करें तो कलीग्स जिन्होंने UHV1 किया हुआ है उनको सुबह की सत्र ज्वाइन करने के लिए लिंक शेयर करी है, उनको मोटिवेट करती हूँ ज्वाइन करने के लिए। जो वीकली और मीटिंग्स या और कोई एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन में हमारे जो कॉलेज के UHV के ग्रुप हैं उनमें शेयर करती हूँ। हम जो साथ में लंच करते हैं तो उसमें देखा है कि कुछ साथ के फैकल्टीज जो हैं वो खाना छोड़ देती हैं, और फिर समझ में आया बात करने में कि वो बाद में घर जाके कूड़ेदान में ही जा रहा है, तो उन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश करती हूँ कि भाई इसका बहुत मूल्य है, इसका थोड़ा सा आप सही सही वो करो कि या तो उतना ही लाओ जितना खा सकते हैं, फेंको नहीं। तो कुछ लोगों को वो बात समझ में आई है, कुछ के लिए अभी और काम होगा। स्टूडेंट्स के साथ भी जब मौका मिलता है तो थोड़ा बात रख पाती हूँ, पहले बिल्कुल भी नहीं हो कंटेंट शेयर कर पाती थी, अब थोड़ी समझ बढ़ी है तो उनसे भी बात हो पाती है, पर ऑफिशियली ऐसा कोई डिस्कशन अभी कंटेंट शेयरिंग पे नहीं किया है। मेरे घर में जो सामान बहुत समय से यूज़ नहीं हुआ था उसको भी मैं अब दूसरों के साथ शेयर कर पाती हूँ, पहले ऐसा नहीं था, ये मेरा ही है ऐसा वाला भाव होता था, सभी को एकदम संभाल संभाल के रखना होता था, अब सभी लोग मेरे परिवार का हिस्सा हैं ऐसा लगता है। राघवेंद्र भैया, इला दीदी, अपराजिता दीदी, रेवती दीदी, सभी से इतनी ज़्यादा मदद मिलती है कि अब किसी से कोई बात पूछने या काम करने में डर नहीं लगता। वीडियो एडिटिंग में अपराजिता दीदी और रेवती दीदी का बहुत ज़्यादा सहयोग और मोटिवेशन मिलता है। मुझे इस काम में इतना मज़ा आने लगा है कि जब कोई वीडियो एडिटिंग के लिए नहीं होता तो बार बार मोबाइल पे व्हाट्सएप चेक करती हूँ कि दीदी का कोई मैसेज आया क्या, कौन सा वीडियो एडिट करना है। वीडियो एडिटिंग के साथ सबसे अच्छा भाग ये है कि मैं अपने समय के अनुसार जब मुझे टाइम है तब मैं उसको कर सकती हूँ, और
अपने हिसाब से धीरे धीरे उस कंटेंट को समझने में समझती हूँ। जब मेरे को ऐसा लगता है ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो उसको फिर से पीछे बैक करके उसको फिर से सुनना कि कोई पॉइंट स्किप ना हो जाए। समय बहुत लगाती हूँ उसको करने में, एक ही वीडियो में कभी 2 घंटा कभी 3 घंटा लग जाता है, बट थोड़ी समझ पड़ी है उससे, बहुत सहायता मिली है मुझे। अभी वर्क के हिसाब से देखें तो वीडियो एडिटिंग में ही भागीदारी हो रही है और इसको आगे भी जारी रखना है। साप्ताहिक और मासिक जो मीटिंग्स और वीकली मीटिंग्स होती हैं उसमें बहुत रेगुलर नहीं हूँ, क्योंकि कभी मम्मी के यहाँ जाना होता है, वहाँ बैठ के वो चीज़ नहीं सुन पाती हूँ, या कभी और कोई कारण आ जाता है। तो पर कोशिश है कि उसको भी थोड़ा सा नियमित करूं। शर्मिला दीदी, कुमार भैया, गणेश भैया, उमेश भैया के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता एवं आभार। सभी साथियों को नमन, धन्यवाद। धन्यवाद यशवंत भैया, ओवर टू यू। जी जी धन्यवाद दीदी, बहुत ही स्पष्टता के साथ में आपने सारे पॉइंट्स को कवर किया। जी धन्यवाद। तो अभी मैं कुमार भैया को आमंत्रित करता हूँ कि भैया दीदी के शेयरिंग के बारे में हमें गाइडेंस। जी भैया, नमस्ते भैया। जी नमस्ते दीदी, बढ़िया शेयरिंग रही आपकी और बिंदुवार ढंग से आपने स्पष्टता के साथ सारी बात रखी। थोड़ा सा और ये बताइए, जैसे आपके परिवार में भी कितने लोग हैं? सर अभी साथ में रहने में तो बेटा ही साथ में रहता है, मम्मी और बहन जो हैं वो सिस्टर जहाँ जॉब GSITS में है उस कैंपस में रहते हैं, तो अभी कुल मिला के जिनसे इंटरेक्शन हो रहा है वो तो इतने ही हम परिवार हैं। और आपका कॉलेज मंडे टू फ्राइडे है या सैटरडे भी है? अच्छा, सर सेकेंड और फोर्थ सैटरडे छुट्टी होती है, फर्स्ट और थर्ड और फिफ्थ में वर्किंग है हमारा। जी बढ़िया। तो मुझे लगता है काफी अवसर है आपके पास और भागीदारी करने के लिए, और आप अभी वीडियो एडिटिंग टीम में भागीदारी भी कर रही हैं। और ये जो आपने बैच 7 में अटेंड किया, तो ये आपका पहली बार अटेंड करना हुआ या बैच 6 में भी आप रही हैं सुबह में? भैया बैच 6 में थी पर रेगुलर नहीं था। एक तो मैं नवंबर से चालू किया था, दूसरा उस समय फादर को कोरोना हो गया था और मदर भी बीमार थी, तो ज़्यादा समय उसमें दिया नहीं था। और सबसे पहली बात तो उतना मन भी नहीं बना था, मेन तो जी वो मुद्दा था कि वो मन भी नहीं बना था तब। वो तो जब जनवरी में हम पूना गए उसके बाद से थोड़ा सा ध्यान दीदी को देखकर, शर्मिला दीदी को देखकर समझ में आया था कि नहीं यार ये तो कुछ करने वाली चीज है। उसके बाद से थोड़ा सीरियस हुई हूँ। तो ये वाले सत्र में सिर्फ मार्च का एक वीक जब पिताजी का निधन हो गया था तो नहीं कर पाई, बट उसके बाद से एक भी दिन नहीं छोड़ा है। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही निष्ठा के साथ आप सुबह का सत्र अटेंड कर रही हैं। और मुझे लगता है आगे भी जो बैच शुरू होगा, बैच है जिसमें हम लोग अभ्यास 1 और 2 को विस्तार से लेके चलेंगे, उसको आप और आगे अटेंड कर पाएंगे, तो और स्पष्टता बनेगी आपकी अभ्यास 1 और 2 को लेकर। तो बढ़िया रहा दीदी, आपने हर एक मुद्दे पे बात की और मुझे काफी संभावना दिखाई दे रही है। अभी मेंटरिंग के लिए आप किसी ग्रुप के साथ जुड़ी हैं? हाँ अभी एक हमारा जो टीम डेवलपमेंट ग्रुप है उसमें जी अभी शुरुआत हुआ है, जिसमें 2 वेनसडे को उमेश भैया ने मीटिंग ली थी, वो किया था। तो एक वेनसडे तो छूट गया था पर ये वाले वेनसडे में मैंने बहुत बढ़िया, अटेंड किया था, ठीक तो वो कर रही हूँ, मतलब जुड़ी हूँ अभी, उस अभी अभी जुड़े हैं हम उसमें। ठीक है। तो बहुत ही अच्छा, अच्छी संभावना है दीदी, और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना। आप इंदौर में हैं और सेंट्रल रीजन में भी काफी काम करने की संभावना है। इनफैक्ट आप देखें तो ये पूरा ह्यूमन वैल्यूज का जो पूरा प्रोग्राम शुरू हुआ एक तरह से तो मध्य प्रदेश से ही शुरू हुआ है सबसे हाँ शुरुआती जी, दिल्ली में हाँ देखें। जी भैया, जी कोशिश तो रहती है कि बाकी ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज के टीचर्स से कभी बात हो तो मतलब कहीं ना कहीं बात में UHV का कंटेंट शेयरिंग नहीं तो कम से कम ये बात तो रखने के में आती ही है कि भाई एक UHV है और वो बहुत अच्छा है और उस पे काम किया जा सकता है, आप भी मन बनाओ। बेटे को भी तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ कि तुम भी जाके कानपुर का सत्र अटेंड करो, तो अभी तो नहीं तैयार हुआ है।
कोशिश है कि वो थोड़ा मन बनाए उसके लिए। जी, बढ़िया दीदी, मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना, बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू सो मच।